हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं प्यारे अफजल का लास्ट एपिसोड का रिएक्शन। एंड जब हमने वो मेरे पास तुमों का लास्ट एपिसोड किया तो उसमें काफियों का ये कमेंट आया, यार प्यारे अफजल का देखो। एंड एक्चुअली वो एक ऐसा ड्रामा था जो पहली बार थिएटर में रिलीज हुआ था पाकिस्तान में, ऐसा हुआ था। तो लाइक जैसे हम लोग हैरान हो गए थे कि भाई एक ड्रामा कैसे थिएटर में रिलीज हो सकता है। तो लोगों ने बताया ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, ये हुआ था प्यारे अफजल के टाइम। ऐसा हुआ था कि पहली बार क्लाइमेक्स जो है उसको थिएटर में रिलीज किया गया था। एंड ये भी बहुत सुपर डुपर हिट रहा है एंड बहुत ज्यादा लोगों में पसंद रहा है। तो हमने सोचा क्यों नहीं देखा जाए। और साथ में मेनली ये कि हमने इसका जैसे हमने मेरे पास तुमको पूरा हमने देखा था, वैसे इसका पूरा नहीं देखा है, हमने इसकी पूरी स्टोरी समझी है। एंड साथ में इसका सेकंड लास्ट एपिसोड भी देखा है। तो देखते हैं अभी बहुत ज्यादा, लेकिन उसको देख के बहुत एक्साइटमेंट हो रही है क्या होगा इनके बीच में, देखते हैं फिर क्या होता है। और इसमें आयजा खान है, और हमने जो लास्ट एपिसोड देखा था मेरे पास तुम हो उसमें भी आयजा खान था। तो मैं उनकी लिटरली एक्टिंग की फ़ैन हो गई थी, और इसमें भी आयजा खान है तो मुझे इतना पता है कि भाई इसमें भी उनकी एक्टिंग लाजवाब होने वाली है। और जहाँ तक हमने स्टोरी के बारे में पढ़ा उसमें यही था कि लेटर बेस्ड स्टोरी है, जहाँ पे जो फराह है वो मतलब कुछ लेटर वगैरह एक दूसरे को ये भेजते हैं, लेकिन फिर जो फराह होती है जो मतलब आयजा खान है वो एक्सेप्ट नहीं करती कि हाँ इन्होंने लेटर लिखे हैं नहीं करे। तो बस बेसिकली पूरे शो में यही है। और बाकी ये बहुत ही रोमांटिक सी सीरीज है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है तो उसमें ऐसे था कि ये जैसे रोमियो जूलियट है बस सेम वैसी स्टोरी है। तो मैं इसके लिए लिटरली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। और वैसे भी यार पाकिस्तानी ड्रामास इतने अच्छे होते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी रोमांटिक ड्रामास बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। वही अफजल की भी वैसी कहानी है, किस तरीके से वो मिल नहीं पाता है एंड बाद में जाके फिर वो एक गुंडा बन जाता है, फिर वो पुलिस के अंडर काम करने लग जाता है। तो उस तरीके से उसकी भी एक बहुत बोलते हैं ना रैक्स टू रिचेस वाली स्टोरी है। तो यास्मीन भी आ गए, तो इस लव ट्रायंगल में अब आगे क्या होगा वो देखने को, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये सोचकर शर्म नहीं आती कि वो तुमसे मोहब्बत करती है और आज वो उसको ढूंढ रही है जिससे तुम मोहब्बत करती। यास्मीन बहुत सेल्फलेस रोल प्ले कर रही है। खुदा के रस्ते पर चल पड़े हो तो कहाँ पहुंचे, कहीं नहीं पहुंचे। एक बस हैदराबाद फलांकर कराची गए थे तो अब यहां खड़े सोच रहे हो कि तुम हैदराबाद से गए नहीं हो या कराची से आए नहीं। वाह। जमकर खेलते हो यार। यार मत को बस सुन लेंगे। ये आप ही बदतमीजियां हैं प्यारे। फिर मैं कहां, तुम कहां? अंदर से लड़की का दिल टूट रहा है बोलते वक्त। उसे से मत देखो। क्यों गई थी वहां तुम? हाँ? मौलवी अंकल के कोकोनट वाले बिस्किटों की खातिर हमें यहां मिलाइए वहां, और तुम्हारी अम्मी की खातिर उनको फरा में तुम देखते हो। और तुम्हारी खातिर अफजल साहब, मुझे तुम्हारी आंखों में वो नजर आती है। और अपनी खातिर बेचारी, सोचा तुमने मंगनी करके मेरा दिल रख, अब मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए मंगनी तोड़ देती हूँ। कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग। इससे कहिए अंकल मेरी अंगूठी वापस कर दे, आपको मेरी कसम। ये यास्मीन ने रोल बहुत अच्छा निभाया यार। क्या कह रही हो प्लीज यास्मीन, ऐसी बुरी बुरी बातें मत करो। मौलवी साहब को कसम दी है मैंने, Thank you.
और आप भी तो वन-साइडेड हैं बहुत। कोकोनट वाली की सब बातें मान लेते हैं, मेरी एक नहीं मानेंगे। तो बहुत प्यार करते हैं वो। मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वापस जाकर उन्हें याद किया तो मैं भी बहुत रोया करूँगी। बेचारे कितनी अच्छी है। चलो मेरी अंगूठी वापस करो। मेरी मम्मी तो उसी दिन कह रही थी कि ये कैसी मम्मी है, इसमें लड़के की मम्मी अब्बा ही नहीं आए। मैंने कहा शुक्र कीजिए कि वो आ गया है, वरना तो कमीना फोन पर भी कहता कि मम्मी कर लो तो मैं कर देती। माय गॉड क्या लाइन थी है, क्या बेइंतहा प्यार है यार। बहुत ही कहूंगी तभी मदद की मम्मी है अभी। शादी होते होते मुझे बीत जाएगी। एपिसोड की एंड होते होते यास्मीन का कुछ अच्छा होना चाहिए यार। सही में अब लेकिन उसके साथ क्या ही अच्छा होगा, वो पूरी तरह टूट गई है। क्या ये वापस आ सकता है यास्मीन के पास? ऐसे भी पर मैंने लिखे थे, मुझे तो नहीं लगता। कौन से खत? वही अफसल वाले। झूठ, तुम झूठ बोल रही हो। मैं मान गई तो ये मत कहो कि झूठ बोल रही हूँ। वो तो मिस नैनी डिसोजा की वजह से पकड़ी गई हूँ, मैं कभी नहीं मानती। और वो वजू करके असर के घर गई थी और जाकर उसकी अम्मी से कहा था कि कुरान पर हाथ रख देती हूँ, वो क्यों कहा था? ताकि सच लगे सबको। इतना बड़ा गुनाह कर रही थी तुम? मुझे मालूम था वो हाथ नहीं रखने देंगे। मैं पहले बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम भी माफ कर दो प्लीज। तुम जरा लिस्ट तो बनाओ और चेक तो करो कि किस किस से माफी मांगोगे और कौन कौन माफ करेगा। अब्बा तो तुम्हारे जबड़े पर मुक्का मारेंगे। अब मैं डट गई हूँ ना, मुक्का भी खा लूंगी। और वो जो खुदा तुमसे पूछेगा उसका क्या करोगी? यास्मीन ने लिया उसकी जिम्मेदारी, बोली के दम तोड़ने और झूठ बोलने के सारे गुनाह कबूल कर लो। मैं रोकर कहूंगी कि माफ कर, और वो कमीना मुझसे प्यार करता है। तो तुम पर कुर्बान हो गई। मैंने मना भी किया था, मैंने कहा कि तुम कर लो शादी उससे। You're so simple. लेकिन उसने कहा कि मोहब्बत में खुदगर्ज बनो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती सबको पैर तले रोती। और ये बात तो तुमने फौरन ही सीख ली होगी, और देखते ही तुमने यास्मीन को पैरों तले रोक दिया। ये तो लिटरली बहुत ही गंदा है। मैं अफसल से मोहब्बत करती हूँ रोमा। फाइन। अभी तक तो ये बोल रही थी कि भाई अगर उसको करनी है तो कर ले, तो फिर मोहब्बत करते तो कैसे? तो बताओ फिर मैं क्या करूं? आप तो सिंपल है। सिर्फ टेन को फोन करो, कहो कि मैं तुमसे शादी नहीं।
नहीं करूं। तुम कर लो ना, बेचारा है तो बहुत अच्छा। वो तो अब करनी पड़ेगी, वरना लोग कहेंगे ये लड़के बस बात पर चलाती है, बात को आगे नहीं बढ़ाती। वो भी मजे ले रहे हैं। कुर्बानी दे रही हूँ तुम्हारे लिए। अगर पहले बोल दिया तो फिर आपको सिंपल होना चाहिए। फरा को भी प्यार है, अफजल को भी है, पर अफजल को भी है कि नहीं वो भी है, पर होगा ही फैमिली इशू होगा ऑब्वियसली। अब्बा बड़े तामझाम से एक आखिरी खबर सुन लीजिए। आखिरी खबर? गुस्सा है तो थप्पड़ पर मार लीजिएगा, फिर बाद में अम्मी से जाकर कहिएगा कि मेरा फैसला है, मेरा मतलब आपका। फरा के बारे में कोई बात नहीं करना, उसके बारे में कोई खबर सुनना नहीं चाहता। प्रॉमिस अब्बा, फरा की तरफ से कुछ नहीं कहूंगी। तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, बताओ क्या हुआ। तेरा बात तो फरा की है। वो अब्बा वो सिप्तेन है ना? क्या हुआ सिप्तेन? कुछ नहीं हुआ अब्बा, आप तामुल से सुनिए ना। अच्छा अच्छा बोलो। वो सिप्तेन अब्बा असल में मेरे लिए था, मतलब वो प्रपोजल लेकर मुझसे शादी करना चाहता था। क्या? आई स्वेयर अब्बा, लेकिन मैंने उससे कहा शादी एक शर्त पर होगी। किस शर्त पर? आपको गुस्सा आ रहा है ना? अरे नहीं आ रहा गुस्सा। शर्त ये थी अब्बा कि वो फराह को बिल्कुल ठीक कर देगा। अब्बा मैंने आपका दिमाग का आलू बना दिया ना। आलू बना? लेकिन अब्बा इस बार गलती फराह की नहीं थी, आलू नहीं पूरा भरता था। आलू कैसे बने? खुदा की बंदे सितैन के मम्मी पापा क्या सोचेंगे? सोचने कुछ तो नहीं सोचेंगे, उन्हें भी सब पता है। अरे तो फिर मुझसे छुपाने की क्या जरूरत है? आपको एक्टिंग नहीं आती ना अब्बा, हमने सोचा नेचुरल परफॉर्म करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वो ठीक हो गई है? मतलब वो मंगनी तोड़ लेंगे अभी, उसी ने तो आकर सारी बातें समझाई है फराह को। उसने कहा कि मंगनी तो बिल्कुल वैसी थी जैसे सितैन और फराह की शादी हो रही थी, वो जरा सीरियस थी। लेकिन अफजल तो फराह से रिवेंज ले रहा था, रिवेंज मतलब फराह की मम्मी थी ना उससे, तो जलन के मारे उसने भी वही डेट रख ली। वो कराची में 12 मर्डर करके आया है ना, उसका हिसाब देना पड़ेगा उसे। वो ले लेगी ना हिसाब अब्बा, पूछ लेगी कि क्यों किया तुम्हारे। पूछ लेगी क्यों किया तो नहीं होगा तो सॉरी बोल देगा। मर्डर के लिए सॉरी बोलते? सॉरी बोलते इस तरह सोचने दीजिए ना अब्बा। अब वो आ गया है, हैदराबाद में क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट खेलने दीजिए उसको, मर्डर के बारे में बात मत कीजिए। इसके लिए बहुत बुरा लगता है मुझे भी, यास्मीन के लिए ना। लड़के की पूरी फैमिली इज लाइक, हमें तो यही लड़की चाहिए। और एक बार तो मुझे ऐसे लगता है अफसल के लिए यही सही रहेगी, और जो वो है उसने तो माना भी नहीं है, किसने लेटर्स लिखे हैं फरहान ने। रिश्तेदारी है आपके साथ, वन साइडेड मंगनी चल रही है, उस हिसाब से मेरी मदर इन लॉ रखती हैं आप। 50-50 बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा इतनी प्यारी बातें करती है, इनको भी अपनी वो। मैं हूँ अंकल यास्मीन, अंदर आ जा। तुम तो पैर भी न रखना कभी, मैं नहीं मिलना चाहता तुमसे, हरगिज नहीं। जा
इजाजत दे दीजिए ना प्लीज। मैं चली भी जाऊंगी तो आपके दिल में रहूंगी। जब भी उस कोकोनट वाली को देखा करेंगे दुआएं दिया करेंगे मुझे। झूठ कहा तो डांट दीजिए वरना जाने दीजिए। मुझे जाना ही होगा। इजाजत दे देंगे तब भी, इजाजत नहीं देंगे तब भी। घरवाली पे अफसल को इतना बोल नहीं रहे। अभी मुझे लगता है कुछ तो इसके साथ होना चाहिए। और अभी तक फराह और अफसल मिले नहीं है साथ में। वो भी क्लाइमेक्स में मिले तो कुछ पता चले। मुझे तो ये फराह बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तेरे को शायद उससे प्रॉब्लम है। मैं भी जी पसंद नहीं आई। अरे एक्टिंग तो अच्छी करती है। इसलिए जा रही हूँ कि फराह मुझे खत लिखती है। सच बताऊँ वो मुझे खत नहीं लिखती थी। हैं? वो खत खुद लेता उसके नाम से। अरे नहीं, मैं इसलिए नहीं जा रही। मैं तो इसलिए जा रही हूँ कि वो कमीनी तुमसे मोहब्बत करती है। इतनी मोहब्बत करती है कि जबान से कह नहीं सकती। कहने लगी तो फूट फूट कर रोने लगी। क्यों आए और हंस क्यों रहे हैं? खुश हो रहे कि सिप्तैन की शादी तुमसे नहीं हुई? चलो चलो मैं उस घटिया साइकेट्रिस्ट से शादी करूंगी। वो लड़की कर रही है उसकी बेइज्जती मत कर। उधर क्या देख रही थी? अफजल जा रहा था यास्मीन को लेकर। देखो तो कैसे एकदम आंखें फेर ली उसने। जाते हुए मिलकर भी नहीं गई। इस तरह खुश होकर बात ना करो। यहाँ से रोकर गई है वो। अफजल से तुम्हारी शादी हो जाए तो बारह नफिर पढ़कर दुआ देना उसे। अफजल से बात हुई? अब भी बात नहीं करोगी? भाई हमें भी यही फील है। उससे कहो ना वो बात करे। ले एक कैसी सी है यार। वो भी कह नहीं पाया और तुमसे भी कहानी गया। मैं तो कभी नहीं कहूंगा। ओ तो ठीक है, शादी तक का इंतजार करो, फिर देखने कैसे फर बोलने लगोगी। कहाँ जा रही हो? नीचे जा रही हूँ। मुझे तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हो रही है। करेक्टर भी बहुत अच्छा है। पापा ने कहा इस संडे को निकाह होगा, अगले संडे को शादी होगी। अब मौलवी अंकल ने तो बात ही नहीं की। उन दोनों में तुम दोनों जैसे मामले नहीं है। पर अभी तक लड़का की ढंग से बात नहीं हुई है और इन्होंने शादी भी करवा दी। तैयारी शुरू, क्या बात है। अब करेगी फोन? नहीं बैठ गई। ओए कर लो फोन चक। छोड़ है क्या? ओ ते ये उसके कराची में घर छोड़ने गए थे कि स्टेशन छोड़ने गए थे? पता नहीं। यास्मीन उठ जाओ। यास्मीन उठो, तुम्हारा घर आ गया। कराची छोड़ने गया मतलब?
थैंक यू। सुनो, अंदर हमने गृहिणी को यार कितना कॉम्प्लिकेटेड। अंदर आओ, तुम्हारा दिल आ जाएगा मुझ पर। ये अफजल का ऐसा लग रहा है दिल इस साइड जा रहा है। यार कैसे कोई ऐसी लड़की से प्यार नहीं कर पाता यार, मैं जा रही हूँ। फोन करो उसे, उससे बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, उसी वक्त माफ कर दूंगी। अपना ख्याल रखो, तुम दोनों बात कर लो, साथ में ही आ जाओ। कुछ भी, मेरी टेंशन मुकाओ। कभी कराची आओ तो मुझसे मिलने मत। हाँ बिल्कुल, बोली कि मिलने आना। ऑब्वियसली यार इतना हार्ड हो रखी है। अब क्या, अफसल साहब फोन करिए, फरा को तो करिए भाई, या तो मिलने जाइए। फोन करो उसे, ऐसे जब भी कोई सीन आता है ना, भाभी जाते हैं, वो सोच रहा होता है उनकी बातें, तो दिमाग पलटता है। अरे अभी इस पे एक्सीडेंट हो जाएगा। नहीं ये तो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। और वैसे ना हो यार, अब बस फाइनली। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिवर्स लेगा। क्या कह रहे हो? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो रिवर्स लेगा, वापिस जाएगा। वो लेटर लिख रही है, देखो मैंने बोला था ना, वो लेटर ही लिखेगी प्यारे अफसर। तुम्हें पता है दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? अच्छा तो गैस मत करो, मुझसे सुनो। दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि पराग रानी तुमसे प्यार करती है। वाह फाइनली, चलो कैसे भेजती होगी इसको? क्या होगा? ये लेटर कैसे देगी? मतलब कैसे भेजती होगी? वही। फोन आ गया। हेलो। अफजल। चलो फाइन। अब वो सच बता। बोलो अफजल। अब तू तो कर ले वापस फोन प्लीज। और बीच में कोई फोन काटता है ना तो आधी लड़कियां पागल हो जाती हैं। ये कहाँ रोक दी गाड़ी? अब वो रोक के बात करेगा ना बीच रोड में। अगर इंडिया जैसी जगह हो ना और गाड़ी ऐसे बीच रोड में पार्क हो, वो निकल रहा, बस सोच रहा है क्या हो रहा है जिंदगी साथ। वाह सारे मुंह में याद आ रहे, फर्स्ट टाइम देखा था फरहा को। शर्म नाम किसी चीज को जानते हो तुम? खड़ा चलो यहाँ से। अरे हाथ में छोड़ो, इसके बाप का राज नहीं है। तुम्हारा मंगी वाला प्लान फेल हो गया तो बदला लेने के लिए रस्ते में खड़े हो जाते हो, लोगों को आशिक बन के दिखा रहे हो, सब में बदनाम करना चाहते हो मुझे। मौलवी सुभान अल्लाह के बेटे हो तो मुझे लगा उस दिन की बेइज्जती के बाद 8-10 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलोगे, शर्म से डूब मरोगे या फिर मुंह छुपाने के लिए हैदराबाद छोड़कर चले जाओ। भाई फिर इस तरीके से सपना ही था ना? टेल मी ये सपना ही था। अबे गोली कहाँ से आ गई? कौन मारा गोली? क्या क्या चल रहा है?
अच्छा इनका वो पुराना जो गुंडे मुंडे थे उसका काय कहना भी कोई निकला है वहाँ? कौन मारा? यार फाइनली वो तो मिलने वाले थे, मार दिया। पुलिस वाले ही मार के चले गए? अच्छा वो उनके लिए काम करते थे, फिर काम करना बंद कर दिया तो खत्म कर दिया। बे यार तेरी कहना की बात सही निकली, तो बोला एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट नहीं हो गोली पड़ गई। उसकी मम्मा को फील हुआ। अब यास्मीन और फरहान की शादी करा दो। उसका एक फरा का ही फोन होगा। अब तो आई लव यू बोल दे। और क्या जाते थे कुछ तो करो। हेलो फरा बोल रही हूँ, तो क्या कह रहे थे तुम? कह रहा था कि हमेशा यही करते हो तुम, या तो तुमसे बात नहीं होती या फिर पूरी बात नहीं होती। वो बंदा जानता पे है। बोलो मैं सुन रही हूँ। फरा कह के बात करोगे ना तो देखना फर फर बोलने लगोगे। बोलो बताओ फोन क्यों किया था? एम्बुलेंस बुला ले। खत वाली बात करनी थी मुझे। आगे बोलो, खत वाली बात से भी आगे। लेकिन मैं अच्छा चलो बात मैं शुरू कर देती हूँ, लेकिन फिर तुम बात पूरी कर देना। सारे खत मैंने लिखे थे तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाम। झूठ। सारे खत मैंने अपनी तरफ से लिखे थे। अरे आपके नाम। आगे बोलो। फरा ने फिर एक्सेप्ट कर लिया ये चीज को? ये जो तुम बीच में लंबे लंबे पॉजेस लेते हो ना अफजल, ये कुछ ठीक नहीं है। वो मरने वाला है। इससे पहले भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अरे भाई मत बनो, साफ साफ कह दो कि तुम प्यार करते हो मुझसे। कोई तो क्या प्यार कर आप लेकिन फरा। इस तरह से फरा मत बोलो, सुनकर मर जाऊंगी। कुछ लिखा है अफजल? कल डाक में डालूंगी तो परसों तुम्हें मिल जाएगा। अब ये मत पूछना कि क्या लिखा है, बस ऊपर प्यारी अफजल लिखा है। सैड एंडिंग और पाकिस्तानी ड्रामा का क्या रिलेशन है? तुम तो बेशर्म हो बहुत, फट से मुंह पर कह दिया कि प्यार करता हूं बहुत। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। तुम रस्ते में हो ना, कब तक पहुंच जाओगे? इतनी लास्ट में जाके प्यार मिला है और फिर ये हो गया। बोलो ना प्लीज। वैसे लड़की सब कुछ तो है, इसका ये ड्रामा में भी पति मर गया, मेरे पास तुम हो भी पति मर गया, कुछ तो प्रॉब्लम है। तुमसे कितनी बार कहूँ कि तुम्हारे चुप रहने से कितना नुकसान होता है अफजल। जाने वो कैसे प्यार को प्यार।
प्यार को प्यार नहीं मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का मिला। कितना सुंदर है गाना। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। आज भी कितना प्यारा गाना आया। वो कैसे जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। कितना लाइक वो इतना सूट करता है इस बात को। और लाइक इनके प्यार को प्यार एक्चुअली नहीं मिला है बिकॉज बहुत ही ज्यादा यार ये मेरे को अच्छा नहीं लगता यार। ये पाकिस्तानी ड्रामा में क्या है ये लोग लास्ट में एंडिंग आप हमेशा ही मैं सैड क्यों देख रहा हूँ। अभी तक मैंने जब दो ही देखे पर दोनों के दोनों में यही हुआ। मेरे पास तुम्हें भी सैड एंडिंग की गई है और यहाँ पे भी यही हुआ है। हमारे यहाँ इंडिया में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मोस्टली एंडिंग्स होती है वो हैप्पी ही रखी जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए बंदा मर जाएगा तो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका कहीं ना कहीं खुशी मनाएंगे। कुछ ना कुछ तो खुशी करते ही करते हैं ये होता है हैप्पी एंडिंग होती है। पर ये सैड एंडिंग वाली चीज़ें नहीं देखी जाती यार। एकदम दोनों ही बिछड़ गए। दोनों को ना ना यास्मीन को मिला ना फराह को मिला। एंड वो फराह वहाँ पे अपना प्यार जता रही है किस तरीके से एंड वो सुन भी नहीं पा रहा है। उसका फोन वहाँ साइड में पड़ा हुआ है एंड एकदम से ही वो वहाँ रोड पे खड़े हुए हैं और उसके बाद दो जगह से गोली आती है। मतलब अगर मान लो रोड पे नहीं रुके होते सीधा ही चले गए होते तो भी ये सब ना हुआ होता शायद बच गए होते। तो यार ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था एंड यार मज़ा आया भी पर यार थोड़ा से दिल दुखा भी कि किस तरीके से एंडिंग की गई इसकी। जो ये ड्रामा था इसमें सीरियसली तीन लाइफ बर्बाद हुई है और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और सबसे ज़्यादा मुझे बुरा यास्मीन के लिए लगा यार। उसने लिटरली ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि आप जिससे प्यार करते हो उसको छोड़ देते हो वो भी उसकी खुशी के लिए। और उसने वो ना बिल्कुल ऐसे टूट गई थी उसका। इवन ना जो यास्मीन का जो फादर इन लॉ वगैरह थे मतलब वो सब कुछ ऐसे टूट गए थे तो मेरे को उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा। लेकिन जो जो भी इसने करा यास्मीन ने वो सिर्फ अफजल के लिए करा। और लिटरली ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को बोलते हैं ना त्याग देते हैं बेसिकली। और दूसरा मुझे फराह का बेसिकली मुझे रोल उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। लास्ट में मुझे वो बहुत क्यूट लगी थी लेकिन पहले तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। और अगर वो स्टार्टिंग में मान जाती कि यार हाँ ऐसा होता तो कितना अच्छा रहता। और बेचारे उनकी बहुत सैड एंडिंग हुई। अफसल इससे इतना ज़्यादा प्यार करता था और कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था यास्मीन के लिए। ये सारी चीज़ें देखना मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा। और जो लास्ट में गाना आया था ना वो लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा था कि कौन। और एक उसमें लिरिक था कौन ऐसे लोग होते हैं जिनको प्यार मिल जाता है उनका। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था यार ये रोमियो जूलियट जैसी इनकी स्टोरी है। जैसे रोमियो जूलियट बिछड़ गए थे सेम इधर भी ऐसा ही हुआ। और ऐसा होता है यार जो मोस्टली सच्चा प्यार होता है ना वो ज़्यादातर बिछड़ ही जाता है। और मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इनके लिए भाई। और यास्मीन का पूरा जो सेक्रीफाइस था सारी चीज़ें बर्बाद एंड ऊपर से यहाँ पे फरा भी है उसका भी जो अभी लास्ट में आके प्यार हो वो सारा ऐसे इस तरीके से हो गया। तो लाइक वो बहुत बुरा लगा एंड लाइक वो किस तरीके से वो अफजल धीरे धीरे मर रहा था ना वो और ज़्यादा सैड कर रहा था। लाइक ये होता नॉर्मल गोली लग के खत्म हो गया वैसा नहीं कि वो धीरे धीरे पहले उसने पूरी बातें सुनी फरा गया एंड उसके बाद एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो खत की थी। लाइक खत में अफजल ने कहा कि नहीं वो मैंने ही लिखे थे एंड फरा ने कहीं ना कहीं उस बात को टाल दिया। लाइक यही था कि फरा ने मान ली थी वो बात कि ठीक है अफजल ने लिखे पर वो मेरी तरफ से ही गए थे। लाइक आप मतलब कितना उस पर भी कितनी बड़ी प्यार वाली बात है कि वो किसी और ने लिखे और तुम मान गए कि हाँ ये मैंने ही लिखे होंगे एंड उसके बाद तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बहन को भी झूठ बोला। तो बहुत बहुत ही ज़बरदस्त इनका प्यार था। और पहला खत उन्होंने तब लिखा था जो अभी जाने वाला था परसों पहुँचने वाला था डाक से पर वो अभी कोई नहीं पढ़ पाएगा। तो यार बहुत ज़्यादा इमोशन था एंड बहुत ज़्यादा सैड एंडिंग थी। आप लोग कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएगा और ऐसे लाइक कर दीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।